हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए फिर से साड़ी पे योगा के कुछ एक्सरसाइज जो कि आप घर पे आराम से कर सकते हो। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि साड़ी पे योगा नहीं हो सकती है, बस उनके इस सवाल के जवाब देने के लिए मैं आई हूँ कि साड़ी पे भी आप आराम से योगा कर सकते हो। हाँ, आप योगा कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि कार्डियो करो या जंपिंग करो तो वो आप साड़ी पे ना करें। अगर आपसे ना हो तो आप कोशिश नहीं करें करने के लिए, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। क्योंकि आप कार्डियो या जंपिंग करते हो ना तो उस समय हमारे जो सांस है ना तेजी से चलने लगती, तेज तेज ब्रीथिंग होती है। उस वजह से क्या होता है कि साड़ी पे जो हम लोग ब्लाउज वेयर करते हैं तो ब्लाउज हमारी स्किन से टाइट होती है और उसमें जब सांस जब लेते हैं ना तो सांस लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है किसी किसी को। तो अगर आपके साथ ऐसा हो तो आप साड़ी पे योगा का कुछ स्टेप जो है कर सकते, जो कि बैठे बैठे धीरे धीरे हमें करना हो, जो कि तेज ब्रीथिंग वाली है ना, जिसमें हमारे हार्ट बीट बहुत तेज चलती है ना, उस तरह के वर्कआउट आप साड़ी पे नहीं करें। तो मैं यहाँ आई हूँ बहुत सिंपल सा योगा का कुछ स्टेप लेके जो कि हमारे बॉडी को फिट रखता है। आजकल योगा सबसे बेस्ट हो गया करने के लिए। तो सबसे फर्स्ट जो स्टेप है वो है कि हमें लेफ्ट राइट दोनों जो पैर है ना, तो मुझे एक पैर से दूसरे पैर की थाई जो है, थाई पे एक पैर के जो सोल है उसे मैं दूसरे पैर की सोल पे रखना है और दोनों हाथों को नीचे से ऊपर की तरफ ले जाना। सांस भरते हुए हमें ऊपर की तरफ हाथ लेना और नमस्कार की मुद्रा में हमें रखना है। आप इसमें 5 से 10 सेकेंड के लिए रुक सकते हो, फिर धीरे धीरे करके हमें अपने दोनों हाथ को नीचे रखनी है। उसी तरह हमें फिर अगली लेग के साथ वही काम करना, जो एक पैर के साथ किया वही दूसरे पैर के साथ भी करना है। एक पैर को सीधा खड़े रहना, दूसरे पैर का जो सोल है उसे हम लोग एक दूसरे पैर की जो थाई है उसके ऊपर अच्छे से लगा लेना, चिपका लेना। देख लो मेरा जो पोजीशन है वो, और दोनों हाथ को नीचे से ऊपर की तरफ इस तरह ले जाओगे ना, और सांस भरते हुए हमें जाना है। 5 से 10 सेकेंड के लिए हमें रोकना है, उसके बाद फिर धीरे धीरे करके हमें अपने हाथों को नीचे की तरफ अपने सही पोजीशन पे आ जाना। ये आप 5 से 10 बार कर सकते हो, नहीं हो पाएगा ना तो आप 2 से 4 बार ही करो फर्स्ट टाइम। उसके बाद ये दूसरा जो स्टेप है ये है, अपने दोनों हाथों को पीछे की तरफ ले जानी है। जितना हो सके आप कोशिश करो कि पीछे की तरफ जाए और फिर हाथ को हमें आगे की तरफ लानी और टो को अपने पैर की जो टो है उसे टच करनी है। हो सकता है फर्स्ट डे आपसे नहीं हो पाए तो धीरे धीरे हो जाएगा। फर्स्ट टाइम जब भी आप करें ना तो कोशिश नहीं करें कि मुझसे अभी ही सब कुछ कर लेना है, फर्स्ट टाइम नहीं होगा किसी से, धीरे धीरे होगा। पर आपको घबराना नहीं है, धीरे धीरे करना। दोबारा से फिर हम वही करेंगे, पीछे की तरफ अपने हाथ को ले जाएंगे, सांस भरते हुए मैं दोनों हाथों को पीछे की तरफ ले जाएंगे जैसे सूर्य नमस्कार में करते हैं वैसे। फिर दोनों हाथों को नीचे की तरफ लाएंगे, अपनी पैर अपनी लेग की टो को टच करेंगे और फिर से अपने सही पोजीशन पे आ जाएंगे। उसके बाद मैं आपको बता रही हूँ अपने हाथ हाथ का जो ये शोल्डर है ना, शोल्डर तो शोल्डर में कभी कभी दर्द होते हैं ना उस तरह से, या उसकी बाजू जो है वो काफी मोटे हो जाते हैं, फैट जम जाते हैं। उसके लिए है कि राउंड वाली एक्सरसाइज करनी है, दोनों हाथ की हथेलियों को अपने बाजू पे टच कराना है। उसके बाद राउंड में हमें करना 10 से 15 टाइम आप कर सकते हो, अप एंड डाउन दोनों तरफ से आप कर सकते हो, या भी ये भी शोल्डर के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है। और इस तरह से सांस छोड़नी, इस तरह से करनी है। फिर हमें इसी तरह इसी हाथ में ऐसे ही रखना है और हमें करनी पास लाना, दोनों हथेली जो है ना, दोनों हाथ का जो पास लाना ऐसे, पास लानी ऐसे और यहाँ पीछे की तरफ करनी है इस तरह से। फ्रेंड, ये जो मैं अभी बता रही हूँ ये है हमारे दोनों हाथों के लिए। तो अपने दोनों हाथों को अप डाउन की मुद्रा में रखना है, यानी जहां तक पीछे तक जा सकता है वहां तक आपको करना है। ये जो हाथ के जो बाजू के पास जो लटक जाते हैं, साइड वाली जो बस्ट के पास जो फैट बढ़ जाता है, उसके लिए ये अच्छा एक्सरसाइज है। अगर आप लोग स्लीवलेस पहनते हो और जो बाजू है ना बहुत ज्यादा ही फैले लगते हैं ना, फूले फूले से लगते हैं, कभी कभी अच्छे नहीं लगते, चाहिए कि आपको स्लिम चाहिए कि मेरा जो बाजू है वो स्लिम रहे, ताकि मैं जब भी स्लीवलेस ड्रेस भी पहनूं या कुछ अच्छा ड्रेस पहनूं तो अच्छा दिखे, तो उनके लिए जो है ना
एक्सरसाइज काफी अच्छा है। तो एक हाथ को मतलब पहले नीचे की तरफ ही ऊपर यानी अप डाउन करके करना, ये आप 15 से 20 टाइम कर सकते हो। बहुत ही हल्का है, बहुत ही इजी है। मैं जो भी आपको योगा के स्टेप बताया बहुत इजी बता रही हूँ ताकि आपको आसानी हो, ज्यादा हैवी मैं नहीं बता रही हूँ यार, क्योंकि मैं यहाँ से बता रही, पता नहीं आप लोग कभी हो सकता है ढंग से करो ना करो। तो जो भी मैं बता रही हूँ आप ढंग से देखो, पूरी तरह से देखो, पूरा वीडियो देखो, आपको समझ आ जाएगी कि मैं क्या बता रही हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, तभी आप उस चीज को करना। ये कमर के लिए योगा है कि अपने दोनों हथेलियों को अच्छे से ज्वाइंट कर लेना है और हमें घूमना है पीछे और मतलब एक इस तरफ अब मतलब लेफ्ट राइट करके करना है जहां तक हो सके आपको हाथ को करना। आप अगर ऐसा चाहो तो आप एक कोई लकड़ी भी ले सकते हो, कोई स्टिक भी ले सकते हो, स्टिक को आप दोनों हाथ से पकड़ लो। मैं इससे पहले एक वीडियो में दिखाई हूँ, आप चाहो तो मेरा वीडियो चेक कर लेना। साइड के जो फैट है ना, कमर के साइड में जो फैट हो जाता है उनके लिए ये अच्छा एक्सरसाइज है, ये आप कर सकते हो। दोनों हथेलियों को अच्छे से ज्वाइंट कर लो, आगे की तरफ कर लो टाइटली और राइट लेफ्ट ऐसे करके करना है। अब देखो ये ना कि कमर के साइड में ब्लाउज जो पहनते हो ना, साइड में जो फैट हो जाती है, लाइनिंग जो बन जाती है ना, उसके लिए ये एक्सरसाइज अच्छा है। फ्रेंड्स कोई भी आप एक्सरसाइज करो, कोई वर्कआउट करो, धीरे धीरे करना, स्लोली करना। मैं वीडियो में दिखाती हूँ तो मुझे कभी कभी स्पीड बढ़ानी पड़ती क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, बट आप जब भी करो ना स्लोली करो, काफी अच्छा रिजल्ट आएगा। इसके बाद हमें अपने दोनों हाथ को सामने की तरफ रखना, दोनों हाथ की जो हथेली है ना उसे हमें सामने की तरफ रखना और दोनों पैर को हमें टच कराना हथेली में। फर्स्ट टाइम में नहीं होगा पर धीरे धीरे हो जाएगा। मैं जो भी बता रही हूँ ना, आप फर्स्ट टाइम में करने की कोशिश नहीं करें, धीरे धीरे करना। देखो कि मैं भी अभी दिखा रही हूँ तो मेरा भी टच अच्छे से नहीं हो, क्योंकि साड़ी पे है ना तो उस समय आपको सही ढंग से नहीं दिख पा रहा टच हो रहा है। लेकिन हाँ, अगर आप एक दो बार करने लगोगे ना तो धीरे धीरे होकर टच हो जाता है आपके हाथ की जो हथेली में है उसमें आपका जो पैर का नी है टच हो जाता धीरे धीरे करके। तो आप धीरे धीरे ही करें, कोई भी चीज स्पीड से नहीं करें। ये भी आप 15 से 20 टाइम कर सकते हो या फिर आप 10 बार कर लो, थोड़ा सा रेस्ट कर लो, उसके बाद करो तीन सेट कर लो, 10 का तीन सेट कर लो या फिर 15 का तीन सेट कर लो, ये भी आप आसानी से कर सकते हो। अगर आप लोगों के पैर में ज्यादा दर्द होता है ना, जैसे पैर में बहुत सारे लोगों को दर्द होती है, तो उनके लिए मैं एक बता रही हूँ, ये एक्सरसाइज जो है काफी अच्छा है। अपने दोनों पैर को थोड़ा सा फैला ले, थोड़ा सा स्पेस दे और अपने हाथ को सामने की तरफ रख के बैठने की जो मुद्रा होती है उसमें बैठे। जैसे हम लोग चेयर पे बैठते हैं ना, सिट करते हैं, सिट डाउन, तो वैसे हम लोग को करना, चेयर पे बैठते हैं बस बिल्कुल वैसे पोजीशन हमें चाहिए। धीरे धीरे से यानी हाथ को अपना सामने रखना है और धीरे धीरे बैठना है ताकि चेयर पे, आप सोचो कि चेयर है उस तरह से हमें बैठना। ये पैर की थाई के लिए बेस्ट है, क्या बताऊं यार, मेरे लेग में भी बहुत ज्यादा दर्द, प्रेगनेंसी के टाइम में भी जब मेरे लेग में दर्द होता था तो मेरी एक फ्रेंड ने मुझे बताया था कि ये एक्सरसाइज करना, तुम्हारा पैर का दर्द छूमंतर हो जाएगा। और वाकई ये कमाल का, ये जो स्टेप है वाकई कमाल का, क्योंकि मैंने खुद इसे किया, आज से नहीं, मैं इसे 10 ईयर से ये कर रही हूं। जब भी मेरे लेग में दर्द होता है ना तो लेग को मैं ऐसे ही रखती हूँ, हाथ को सामने की तरफ रख के, और जैसे कि चेयर पे बैठते हैं उस मुद्रा में मैं बैठती हूँ, उस पोजीशन में, काफी अच्छा रहता, राहत मिलती है। थोड़ा सा दर्द तो होगा स्टार्टिंग पर, धीरे धीरे होके कम हो जाता है। तो ये वाला जो है ना, ये वाला स्टेप आप जरूर से करें। अगर आपको सीढ़ी पे चलने में दिक्कत होती है, उठने बैठने में दिक्कत होती है, कुछ में भी पैर में प्रॉब्लम, थोड़ी सी प्रॉब्लम है ना, तो आप ये वाला जो है ना, ये वाला जरूर से जरूर करें, बहुत ही अच्छा है। आप लेगिंग्स पे भी ये कर सकते हो, जेगिंग्स पे भी कर सकते हो, साड़ी पे, किसी भी चीज पे कर सकते हो। आप उठक बैठक देखते हैं, उठक बैठी, मैं उठक बैठी की भी वीडियो जरूर से लाऊं, पर ये उठक बैठक जैसी नहीं है, थोड़ा सा ये अलग है ये। फिर उसके बाद ये जो स्टेप है ना, ये हमारे कमर के फैट को, साइड के फैट को, पीछे का जो बैक में फैट रहता है उसका धीरे धीरे होके कम करता है। आप देखोगे कि एक हाथ को अपने कमर पे डालना है और दूसरे हाथ को झुकाना है, मतलब झुकाना, इतना झुकाना है कि मतलब मेरे कमर में पता चले कि हाँ मैंने झुका रहा है एक तरफ का, उस तरह से हमें झुकाना, धीरे धीरे करके झुकाना है। आप देखोगे ना कि जो कमर के साइड का फैट है धीरे धीरे होकर कम होगा। आप चाहो तो इसे मतलब कमर पे हाथ नहीं डाल के आप ऐसे भी कर सकते हो, एक हाथ को मतलब एक साइड में झुकाओ और दूसरे हाथ को टच करने की कोशिश करो, यानी एक जो हाथ है ना उसे नीचे, थाई से नीचे, नी के पास आपका एक हाथ का हथेली होना चाहिए और दूसरा हाथ जो है ना उसे टच करने की मुद्रा में इस तरह से होनी चाहिए। जैसे मैं दिखा रहा हूं, जैसे कि देखो ये हाथ है ना, एक हाथ को हमें नीचे की तरफ रखना है और दूसरे हाथ को ऐसे झुकाना है अपने, जैसे है ना मतलब ये फोरहेड हो गया, मतलब आई सॉरी ये हेयर के ऊपर से हाथ को ले जाना, उस तरह से हमें झुकाना। ये भी हमें 10 से 15 बारी करना, ज्यादा नहीं करना कोई भी चीज, अब ज्यादा नहीं, ऐसा नहीं है कि आज मैंने 50 टाइम कर लिया तो मेरा तो बहुत अच्छा हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं। फ्रेंड तो
आज जो भी मैं स्टेप बताएं वो जरूर से जरूर करना। आप लोग थोड़ा सा भी फायदा हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगली बार मैं और भी स्टेप लेके आऊंगी, तब तक के लिए बाय बाय।